तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सेव दोस्त चैनल, आपका दोस्त शिवा। इस वीडियो में बात करेंगे भाई अपना स्टोरी शेयर करेगा और कैसे कैसे वीडियो अपलोड करता है इसके रिलेटेड बात करने वाले हैं और कितना मेहनत करने के बाद आज 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, चैनल मोनेटाइज हुआ, चैनल से पैसा कमाना स्टार्ट किया। इसके पीछे एक क्रिएटर को कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है यह आज की वीडियो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब चैनल को कब से स्टार्ट किया, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। भाई मेरा यूट्यूब चैनल 27 जुलाई 2019 को स्टार्ट होता है, उसके बाद आज का डेट आप देखे जा सकते हैं कि आज का डेट कितना है। इसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे 154 वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे चैनल से इनकम होना लगा और उसके बाद 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ। बताओ इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद पैसा आना स्टार्ट हुआ। ऐसे में बात करते हैं, अगर आपको लगता है 1 से 2 वीडियो बना के यूट्यूब से पैसा कमा ले तो ऐसा नहीं है, आपको यूट्यूब पे जॉब के जैसे काम करना पड़ेगा, इस पर वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तब जाके पैसा जनरेट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है 2 महीना 4 महीना 6 महीना पैसा निकाल ले यूट्यूब से कमा ले तो ऐसा नहीं है भैया, नहीं कर पाइबो, भोजपुरी हो गई तो ऐसा होता है। इसके बाद बात करते हैं भाई, अगर आप यूट्यूब चैनल एक क्रिएटर बनना चाहते हैं तो फिर आप में पैशन होना चाहिए, किस चीज को लेकर लगन होना चाहिए, उस चीज में आपको महारत हासिल करना तो फिर उस फील्ड का राजा बनना चाहिए। बनने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा आपको यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट रहना चाहिए और उसके बाद आपको बहुत चीज सीखना पड़ेगा, तब जाके आप यूट्यूब पे सर्वर कर पाएंगे यानी आगे तक चल पाएंगे। ऐसे में बहुत यूट्यूबर ऐसे भी होते हैं कि कुछ वीडियो बना के छोड़ देते हैं, उनको लगता है यूट्यूब से पैसा नहीं आएगा। जब तक वे मेहनत करते हैं तब वहाँ पे उनको डिमोटिवेट कोई कर देता है कि देखो यूट्यूब से कुछ होता नहीं है, यहाँ पे कुछ काम करोगे पैसा उससे आएगा नहीं। शुरुआती में मेहनत जितना करता है बंदा वो इतने लास्ट में जाके अच्छा खासा रिवेन्यू करता है, अच्छा खासा मतलब बेनिफिट होता है। शुरू में 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में एक यूट्यूब क्रिएटर से पूछ लीजिएगा कितना मेहनत होता है। उसके बाद अब 1,000 हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लेगा, उसके बाद 10,000 होगा तो कुछ रिलैक्स, उसके बाद धीरे धीरे इतना जल्दी ग्रो होने लगता है पता नहीं चलता मेरा यूट्यूब चैनल कितना फास्ट ग्रो हो गया। अगर मेरे चैनल की बात करें तो मेरा 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में 9 महीना लग गया और 1,000 से 9,000 मतलब 10,000 कंप्लीट किए तो मात्र 7 महीना हो जाएगा। समझो इतना 1,000 जितना आपको लगता है मेहनत उतना अब 10,000 लगेगा, अब जितना 10,000 करने में नहीं लगा उतना 1,00,000 करने में नहीं लगेगा। ऐसे में क्या होता है जब यूट्यूब चैनल अच्छा रैंक करनाता है, अच्छा सब्सक्राइबर हो जाता है तो चैनल को बूस्ट मिलता है, यूट्यूब चैनल उसको मतलब जैसे ऊपर फ्राउज फीचर्स में सेंड करता है, भेजता है और यूट्यूब भी उसको काफी मतलब मदद करता है आगे तक हेलने में। हर एक चैनल को बूस्ट मिलता है अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं, आप हमेशा अपडेट रह रहे हैं अपने चैनल पर तो ये होता है। अब बात करते हैं मेरे चैनल पे भाई वीडियो तो बन जाती है बट वीडियो बनाने के पीछे क्या क्या मेहनत होता है। वीडियो बनाने पीछे सबको ऐसे मेहनत तो करना पड़ता है, बस मेरे कुछ ज्यादा ही मेहनत कर देते हैं। ऐसे में बात करते हैं भाई सेटअप पे जो लाइट दिख रहा है, लाइट भी कैसे यानी खोल के ला कर यहाँ पे सेट करते हैं जब वीडियो शूट करना होता है। अब वे कैसे करते हैं वे भी हम आपको दिखला देते हैं बट अभी नहीं दिखलाएंगे, जब 1,00,000 होगा तो वहाँ पे बहुत बढ़िया स्टोरी बनाएंगे कम से कम 20 मिनट का, वहाँ पे सब बताएंगे। अभी तो 10,000 होता है, स्टोरी मायने नहीं रखता बट मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ जिससे मोटिवेट हूँ आप। तो मैं यहाँ पे जो बल्लभ यहाँ पे जल रहा है LED में भी कैसे ओपन मतलब करके यहाँ पे ला कर लगा के वीडियो शूट करते हैं। इसका जो मेरा स्टैंड है वह भी काफ़ी पुराना हो गया, शुरुआत में लिए थे 250 रुपये को, भी टूट गया 2-3 टुकड़ा, उसको क्या किए हैं टेप ओप मार के और मतलब काम उम चला लेते। उसके बाद मेरे पास एक माइक भी है जो कि मतलब 250 का लिए थे और माइक भी ख़राब हो गया, मेरा काफ़ी मदद किया बट वहाँ पर उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो उसको मैं क्या किया बदल के एक बोया भाई M1 के माइक लिया जो कि इसी माइक से शूट करें अच्छा रिस्पॉन्स करता है। मेरे पास जितना बजट नहीं था कि मैं अच्छा एक सेटअप बना लूँ, एक छोटा सा पर्दा जो कि पीछे देख सकते हैं 2 मीटर करीबन है और आप जाग मार्केट में इसका प्राइस पूछ सकते हैं, ऐसे 40-45 रुपये का 1 मीटर मिल जाता है, इसके हिसाब से 90 रुपया या 100 रुपये का करीबन मिल जाएगा। सब मिला जुला के 1,000 बजट में हम यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किए और फ़ोन भी मेरा न्यू नहीं था, जो कि फ़ोन भी मैं सेकेंड हैंड लिया था जो कि सैमसंग J7 प्रो था। यह फ़ोन का दाम तो अच्छा खासा है जो कि अगर न्यू फ़ोन को परचेस करेंगे तो फिर मेरा फ़ोन न्यू नहीं था, इसको सेकेंड ले लिए थे 4,000 प्राइस में। इसके बाद इसी सब से मिला जुला मेरा सब कुछ फोन और सेटअप 5,000 करीब बैठ गया। जब मेरा यूट्यूब चैनल से फर्स्ट आया 14 इनकम तो फिर मैं अपने आप में गर्व महसूस किया कि वाह क्या बात है। ऐसे में 14,000 आया तो मैं उस पैसा को सब नहीं निकाला, कुछ पैसा को उसमें रख दिया, उसके बाद अपना यूट्यूब से पैसा मात्र 9,000 निकाला और कुछ उसमें छोड़ दिया। तो जो निकाला वही बताया घर पे कि देखो इतना मेरा पैसा है, क्योंकि वे मेरा सेटअप के लिए कुछ पैसा रखा कि आगे चल के सेटअप
सेटअप फिट करेंगे। तो अभी फिलहाल में तो सेटअप अभी वैसे ही है, लेकिन कुछ आने वाले समय में इसको मैं चेंजिंग करने वाला हूँ। तो भाई अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो आप में पैशन होना ही चाहिए, क्योंकि बिना पैशन के आप यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। पैशन रखो और किसी चीज से लेके आप मतलब एक जज्बा रखो कि मैं भी एक यूट्यूब क्रिएटर बनूंगा और अच्छा खासा इनकम करूंगा। यहाँ पर जो भी यूट्यूब क्रिएटर है वे अच्छे खासे करते हैं इनकम तो आज लगता है, लेकिन उससे पहले कितना मेहनत वह सबको नहीं दिखता है। आप यूट्यूब क्रिएटर है तो इजिली आप पैसा कमाएंगे, बस आप मेहनत के लिए लगन रखिए, आप में पैशन होना चाहिए तब जाके कुछ कर पाएंगे। मेरा 1.5 साल के बाद ही ये सब कुछ हुआ पाया, इससे पहले मेरा कुछ नहीं था, बस वीडियो अपलोड करो, मेहनत करते जाओ करते जाओ। यह मैं ओनली यूट्यूब से नहीं किया। और एक बात और कि आप कभी इसको फुल टाइम मत ले, फर्स्ट टाइम में ले, कुछ अगर काम करते पढ़ाई करते तो पढ़ाई के साथ साथ करें, जॉब करते तो जॉब के साथ साथ करें, या कोई भी काम करते इसको फर्स्ट टाइम लगे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा रिक्सी भी होता है, इसको गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। कुछ लोग यहाँ पे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा आगे चल के धक्का लग जाता है, नुकसान होता है। तो यह सब आपको पहले सीखना होगा, सीखने के बाद यूट्यूब पर आए कि इसका मतलब SEO क्या होता है, इसका मतलब जो भी अपडेट और मतलब इसका बहुत चीज़ ऐसा नियम कानून होता है जो कि इसको जानना, कॉपीराइट, उसका कम्युनिटी गाइडलाइन, ये सब आपको सीख लेंगे तो फिर आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। ये सब सीखने के लिए आपका भाई बंदा खारा है इस चैनल पर आपको या लेडी वीडियो मिल जाएगी जो कि आप इस चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आपको इसे रिलेटेड वीडियो आगे भी आएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा यूट्यूब से रिलेटेड, और भी अन्य जानकारी भी मिलती रहती है जो कि अनबॉक्सिंग अन्य कुछ, बट ज़्यादातर यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियो मिलती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, कमेंट में डाल दें और चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर आपको टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो मिलती है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।